बहुत। ओंकारेश्वर जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि क्या अभी तक तो ठीक है, एक उलझन बनी हुई थी अघाड़ी के सामने, क्या करे क्या ना करे, अपनी अपने दावे थे, महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन हरियाणा की हार के बाद क्या अब ये बहुत जरूरी नहीं लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को चुनाव की कमान सौंपी जाए, महाविकास अघाड़ी तय करे कि अब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और भावी मुख्यमंत्री वही होंगे, एक चेहरे के साथ चुनाव में जाना ज्यादा फायदेमंद होगा? मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है इस समय इंडिया गठबंधन के लिए और वहां पर महाविकास अघाड़ी के लिए, कि जब आप चुनाव में उतर रहे हैं, आपको देखना होगा कि आपके साथ जो एलआई है उसकी क्षमता कितनी है। और अगर आप पिछले चुनाव की स्थितियां देख लें तो उसमें शिवसेना को वहां पर कहीं ना कहीं मतलब एक लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक प्रभाव दिखाई दिया कि वहां पर उद्धव ठाकरे को लोग स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। जबकि कांग्रेस में अभी भी कौन नेता हो नहीं हो, जैसा आपने कई नेताओं का नाम लिया अलग अलग वो है, तो मराठा फेस एक होने के नाते मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने खुद विनम्रता के साथ ये कहा है कि जो शरद पवार और कांग्रेस मिल के तय कर लेंगे उन्हें ये मंजूर होगा, उन्होंने अपने नाम को कभी आगे नहीं बढ़ाया है, तो ये उनकी विनम्रता दिखाती है। भाई इस उम्र में शरद पवार तो अपने लिए ये नहीं कह सकते कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या मैं बनना चाहता हूं, अगर बनना चाहेंगे तो वो उनसे तो कोई बेहतर हो नहीं सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में, और जिस तरह से इन्होंने उद्धव ठाकरे ने अपने आप को काफी हद तक और जनता में जनता से जोड़ने की कोशिश की है, उनके बीच खुद को ले जाने की कोशिश की है, उनसे उनकी स्वीकार्यता पहले की तुलना में काफी बड़ी है। लोगों में एक भावना है कि भाई जो एक बाला साहब ठाकरे के उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे का एक जो वो था शिवसेना पर और उसके माध्यम से जो मराठा समाज से वो जुड़े हुए थे, उसको कहीं ना कहीं एक धोखा दिया गया, उसको तोड़ा गया, उनके पार्टी के लोगों ने उनको धोखा दिया, फिर जिनके साथ एलाइज थे वो बीजेपी के साथ, बीजेपी ने भी उनको धोखा दिया। यही बात वो कह रहे थे जब उन्होंने पार्टी इसके साथ या बीजेपी के साथ अलायंस छोड़ा है, तोड़ा है, तो उस समय उन्होंने यही कहा कि जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया, हमारे साथ छल किया जा रहा था, इस छल को लेके उन्होंने इसको तोड़ा है। और ये बात कहीं ना कहीं मराठा लोगों को चुभी है, महाराष्ट्रियन लोगों को बात ये चुभी है। तो बीजेपी ने सिर्फ शिवसेना के साथ नहीं किया, आपने देखा कि शरद पवार के साथ भी यही किया, अजीत पवार को तोड़ के, और वो एक उन्होंने उनकी ताकत ही खत्म कर दी। ये तो लोकसभा चुनाव है जिसमें वो फिर से उनको एक एज मिला और ताकत उनकी जो है वो सामने आई लोगों के उसमें दिमाग में कि भाई अभी शरद पवार खत्म नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त जरूर है कि महाविकास अघाड़ी को इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता होने के नाते भी उनको आगे किया जाना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए।